नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 2 जून से 9 जून 2024। तो इस वीक की करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन निम्न में से किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राजकीय शौर्य महोत्सव, तो उत्तराखंड में राजकीय शौर्य महोत्सव भवानी दत्त, तो शहीद भवानी दत्त के स्मृति में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में चमोली जिले के थराली के चेपड़ो गांव में 3 दिवसीय राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यह आयोजन हुआ 6 से 8 जून। इस मेले में देश के लिए शहीद होने वाले वीरों के परिवारों को सम्मानित किया जाता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस मेले को राजकीय मेला भी घोषित किया गया है। तो इसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट 2024 का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया? गुरमीत सिंह के द्वारा। तो बी ऑप्शन, गुरमीत सिंह के द्वारा गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट 2024 का शुभारंभ किया गया। तो नैनीताल में आयोजित 19वें गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा किया गया और नैनीताल के राजभवन में 7 जून से 9 जून तक चलने वाले इन गोल्फ टूर्नामेंट में देश भर के 121 गोल्फर प्रतिभाग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उत्तराखंड में उर्मी नेये को, तो उर्मी नेये को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पौड़ी जनपद की रहने वाली है उर्मी नेगी। ये गढ़वाली अभिनेत्री है, निर्माता और निर्देशक है और इन्हें साल 2023 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है और ये पुरस्कार उन्हें क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी सुबेरु घाम सेकंड के लिए दिया गया है। उर्मी ने फ्योली, सुबेरु घाम, बथों जैसी चर्चित गढ़वाली फिल्मों में अभिनय किया है। उर्मी को बथों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी चुना गया है और गढ़वाली फिल्म सुबेरु घाम को कन्नड़ फिल्म फेस्टिवल में भी सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव आयोग की ओर से जारी राज्यवार केंद्र शासित आंकड़ों में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का देश में है 33वां स्थान। तो 33वां स्थान है उत्तराखंड का। तो चुनाव आयोग की ओर से जारी राज्यवार आंकड़ों में देश में उत्तराखंड 33वें स्थान पर आया है और हिमालयी राज्यों में देखें तो उत्तराखंड है 10वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5, आबू धाबी में आयोजित 8वीं एशियन जू जितसु चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने कांस्य पदक जीता है? तो जो आबू धाबी में आयोजित किया गया था 8वीं एशियन जू जितसु चैंपियनशिप में उत्तराखंड से नव्या पांडे को कांस्य पदक मिला है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो अबू धाबी में 1 मई से 8वीं एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में भारत सहित 39 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और जो 8वीं एशियाई प्रतियोगिता में जो नव्या है इन्होंने महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। नव्या पांडे ये नैनीताल के हल्द्वानी शहर की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस सभा का आयोजन किया गया है मसूरी में। तो ए ऑप्शन, मसूरी में भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नामक पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किया है और जो पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम है ये 1 और 2 जून 2024 को मसूरी शहर में आयोजित किया गया था और जो ये कार्यक्रम है ये जॉर्ज एवरेस्ट पीक
पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ आयोजित की गई है? उत्तराखंड में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 3 दिवसीय तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस, थर्ड इंडियन एनालिटिक कांग्रेस, 5 से 7 जून 2024 तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित की जा रही है। और इसकी जो थीम रखी गई है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशन, तो इसकी थीम रखी गई है। दोस्तों, जो उत्तराखंड के जो वीकली करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा, उसमें सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा उसमें डेली करंट अफेयर, उत्तराखंड जीके, चाहे वो उत्तराखंड हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, परीक्षावाणी सीरीज हो या जिलेवार, सभी नोट्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप रीड कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें कुछ भी आप पास 50 से ऊपर कुछ उसमें दे रखे हैं, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर, तो त्रिपुरा की दीपा कर्माकर किसी भी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है। दीपा ने 26 मई 2024 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की वोल्ट प्रतियोगिता फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कौन सा पेड़ लगाया है? अभियान क्या है? एक पेड़ माँ के नाम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल का पेड़, तो पीपल का वृक्ष लगाया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया। और एक पेड़ माँ के अभियान का उद्देश्य है भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वन रोपण द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया है। नीम और तुलसी के साथ पीपल दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है। और इस बार वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम रखी गई थी, आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, तो इस सम्मेलन के दौरान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो प्रवाह नामक जो सॉफ्टवेयर है, तो किसने विकसित किया है? इसरो के द्वारा। तो इसरो ने प्रवाह नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक CFD सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है प्रवाह, विकसित किया है। और इसका उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव रेटेड लॉन्च वाहनों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, म्यूनिख जर्मनी में आयोजित 2024 ISSF विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला जो स्वर्ण पदक है, ये सरबजोत सिंह ने जीता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। 6 जून 2024 को सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन,
विश्व कप में भारत के लिए पहला पदक जीता है। आईएसएसएफ विश्व कप 31 मई से 8 जून 2024 तक आयोजित किया गया, और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, ये विश्व कप ओलंपिक के बाद दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शूटिंग टूर्नामेंट में से एक है, और इसका आयोजन विश्व शूटिंग खेलों की नियामक संस्था आईएसएसएफ द्वारा किया जाता है। आईएसएसएफ का गठन जो है 1907 में हुआ था, और इसका मुख्यालय है म्यूनिख जर्मनी में। पहला जो विश्व कप हुआ था 1986 में मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के दो वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किस राज्य के हैं दो वेटलैंड जिन्हें रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये जो दो वेटलैंड है ये बिहार से संबंधित है, तो बिहार राज्य में स्थित है ये। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि घोषित किया है। और जो ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है ये बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। इसके साथ ही भारत में जो रामसर साइट्स है इसकी संख्या कुल मिलाकर 82 हो गई है। 81 है नागी और 82 है नकटी पक्षी अभयारण्य, जिन्हें रामसर साइट्स में शामिल कर दिया गया, और टोटल 82 इसकी संख्या हो गई। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स जो है ये मिल जाएंगे आपको हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जी, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा, उसमें सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।